हेलो एंड वेलकम टू ये एंड अदर वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स अवर टूडे टॉपिक इज लॉस्ट सुप्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट चाइल्ड हुड बाई अनीश जुंग डियर फ्रेंड्स अगर बात करेंगे इस चैप्टर की ये एक बुक से लिया गया है जो कि ऑथर का यहाँ पे नाम है अनीश जुंगश जुंग ने एक बुक लिखी है उसी में से थोड़ा सा हिस्सा हमारा चैप्टर बना हुआ है क्लास ट्वेल्थ की टेक्स्ट बुक का जिसका नाम है फ्लमिंग जब हम बात करते हैं अबाउट द ऑथर एज यू नो पहले हम बात करेंगे अबाउट ऑथर दैन बैकग्राउंड ऑफ दिस वेरी चैप्टर और आई शुड सी द बुक उसके बाद फिर हम टेक्स्ट पे जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन दैन समर एंड फाइनली वी विल गो फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल का आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लीजिए ताकि आपको तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो बात करते हैं यहाँ पे अनिश जोंग की जिसने ये बुक लिखी है लॉस्ट स्प्रिंग शी वॉज एक्चुअली बॉर्न इन रोकेला इन नाइनटीन सिक्सटी फोर रोकेला एक शहर है उड़ीसा स्टेट में जिसको आम तौर ये भी कहते हैं दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा क्योंकि वहाँ पे बहुत से स्टील के प्लांट हैं जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है बात अगर करेंगे अनीश जुंग की अर्ली चाइल्ड हुड एंड हर एजुकेशन शी हर एजुकेशन इन हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा है उसके बाद उस she went to शी वटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू डू होस्ट ग्रेजुएशन जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में उसने की अगर बात करेंगे uh, अनिल जिंग की uh, उसके they were also poets of Urdu language। अनी जिंग अगर उसकी कैरियर की बात करेंगे uh, शी as a she has बीन एज ए columnist शी has बीन ए जर्नलिस्ट इन मनी नेशनल एंड इंटरनेशनल डेलीज इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द लेसन और आई शुड say द बुक क्योंकि एक बड़ी बुक से लिया गया एक छोटा सा यहाँ पे हिस्सा है जो हमारा लेसन सेकंड बना है बुक का नाम है तो जो ऊपर लिखा है टॉपिक का नाम तो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज स्टोल इन चाइल्डहुड अगर इस टॉपिक की बात करें इस लेसन की इस बुक की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल इवेंट्स ये हकीकत पर मबनी है ये बुक तो जो हकीकत वहाँ पे है यानी जो कहती है कि जो एरिया पर्टिकुलर अगर बात करेंगे सीमापुरी जो कि पेरेफ्र इलाका है दिल्ली का वहाँ पे जो बांग्लादेशी जो माइग्रेंट्स है आफ़्टर 1971 उनकी जो वहाँ पे हालत है खासकर बच्चों की जिनको वहाँ पे बाल मज़दूरी करनी पड़ती है जिनको चाइल्ड लेबर का कर सामना करना पड़ता है उनका वहाँ पर जो बचपन है वो छिन गया है दे डोंट नो अबाउट स्कूलिंग वाट इज़ स्कूलिंग क्या बचपन होता है खेलने कूद के दिन क्या होते हैं बिकॉज फ्रॉम द अर्ली एज है लेबर उनको बाल मजदूरी का सामना करना पड़ता है तो इसी पे इसी फैक्चुअल uh, इंफॉर्मेशन पे ये बुक मबनी है इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे भी चल के जो मनीष का वहाँ पे इसने यहाँ पे एक uh, वाक्य बयान किया है वो भी इसी बात की तरफ इशारा करता है कि इट इज़ ऑल अबाउट द पावर्टी चाइल्ड लेबर एंड द द स्टेज ऑफ द चाइल्ड हुड जो कि सबसे बेहतरीन होता है वो खो गया है उन बच्चों का सो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट एंड पर्टिकुलरली दिस वेरी पैसेज these very passages which are in lesson second of our book they talk about the child and their stolen childhood about the poverty about the child labor and all the exploitation of these children के लेट स्मूथ टेक्सट नाव हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ हु गो थ्रू इच लाइन एंड पैसेज एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगर बात यहाँ पर करेंगे जो पहला यहाँ पे टॉपिक दिया है या पैसेज है उसकी अगर हैडिंग की बात करेंगे समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन द गाबेज तो स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को जो कि साहिब एक जो बच्चा है उसकी कहानी है यहाँ पे उसका एक वाक्य यहाँ पे है वाई डू यू डू दिस I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him, that is why they left looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he murmured, mm. looking away. Go to school, I say realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. To Jubela Passage is me Jo ऑथर है राइटर है इस बुक की यानी जंग एक बच्चे को मिलती है साहिब जिसका नाम है और उससे वो पूछते हैं कि आप ये क्यों करते हो काम तो वहाँ पे उसका जवाब आता है मेरे पास तो और कोई काम ही नहीं है हालांकि इस पैसे में ये भी कहा गया है कि साहब को अपनी माँ ने क्या बोला है कि हम ढाका से आए हैं यानी बांग्लादेश से आए हैं वहाँ पे बहुत सी तूफान आ गए थे हमारे खेत खलियान जो वहाँ पे गए थे वो बर्बाद हो गए हैं इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं जो कि दहली की आज बात कर रहे हैं तो अनिल जिन की इस सवाल पर क्या आप कुछ और क्यों नहीं करते हो आप ये क्यों करते हो तो उसने कहा मेरे पास तो और कुछ काम ही नहीं है फिर ऑथर uh, उससे uh, एक एडवाइस देती है कि गो टू स्कूल हालांकि ऑथर को यह पता है कि जो ये मेरी एडवाइस है ये खोखली है क्योंकि एक गरीब बच्चे जिसके uh, पेट में शाम को अगर निवारा ना जाए तो वो स्कूल की कैसे सोच सकता है तो फिर भी ऑथर से कहता है लेकिन हालांकि उसको उम्मीद है हालांकि उसको रियलाइज़ ये हो रहा है कि मेरी जो एडवाइस है ये एक हॉलो है बिल्कुल खोखली एडवाइस है एक गरीब बच्चे के लिए तो उस बच्चे का आंसर वहाँ से आता है वो जवाब देता है देर इज़ नो स्कूल इन में नेबरहुड की मेरी इलाके में तो कोई स्कूल नहीं है अगर वहाँ पर कभी कभार कोई स्कूल खोला गया तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा नेक्स्ट पेज if i start school will you come i ask half jokingly yes he says smiling broadly a few days later i see him running up to me is your school ready. it takes longer to build a school i say embarrassed at having made a promise that was not meant but promises like mine abound in every corner of his bleak world after months of knowing him i ask him his name. Sahibi Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months I have come to recognize each of them. Why aren't you wearing chapels? I ask one. My mother did not bring them down from the shelf, he answers simply. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in steeves on village roads. It is not a lack of money but a tradition to stay barefoot, is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. Thirty years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an ear. So, this passage we will read in this passage. If we talk about this page, which is ये जो आता है अब इन बच्चों को जानते इनसे बात भी करनी स्टार्ट कर देते हैं अब ये साहिब को पूछते हैं कि अगर मैं स्कूल खोलूँ क्या आप आओगे साहिब देता है जवाब हाँ मैं क्यों नहीं मैं ज़रूर आऊँगा हालांकि कुछ दिन के बाद वो उसके नज़दीक जाता है साहिब पूछने कि आपका स्कूल तैयार हो गया और शर्मंदगी मारे वो कहते हैं कि स्कूल बनाने में तो बहुत टाइम लगता हालांकि उसने वो बात जोक में कही थी ऐसे ही कही थी लेकिन उसको एहसास हो गया कि मैंने क्या कहा है और उसको ये भी एहसास है कि आईसी कितने ही मज़ाक इन गरीब बच्चों के साथ रोज़ होते आ रहे हैं इसके बाद इन बाकी दोस्तों को भी वो जो इस साहिब के साथ जो और गरीब मज़दूर बच्चे आते रहते हैं उसके एरिया में उनको भी वो जानती है साहिब के इन्हीं दोस्तों में से जब ऑथर जब अनीस पूछती है कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहने हैं तो वो कहता है कि मेरी माँ ने तो वो उतार के नहीं शेल्फ से हालांकि और एक बच्चा कहता है कि अगर वो उतारते भी ये नहीं पहनते क्योंकि इसको जूते चाहिए थे आ, ये उस बच्चे ने जवाब दिया जिसके पास जूते थे हालांकि वो भी लगते थे कि वो उसने कहीं से उठा लिए हैं तो ये जो सारे बच्चे थे इट वॉजन लाइक एन आर्मी ऑफ बेयर फीट तो सारे जो बच्चे हैं नंगे पाँव चल रहे थे एन आर्मी दैट मीन्स देवर मनी इसके बाद अनीस कहते हैं कि उसके जहन में एक स्टोरी आती है कि एक आदमी ने उसको बोला था कि जब वो जवान था जब वो यंग था कि वो एक प्रीस्ट का बेटा था और रोज़ दुआ मांगने के लिए जाता था और रोज़ ये दुआएं करता था जब वो मंदिर जाता था कि मुझे एक जोड़ा जूते क्या मिले तो इसके मतलब अनीस यहाँ पे बात आज की है। वीडियो लेक्चर में बस इतना ही जो नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो लेक्चर का होगा हम आगे जाएंगे पैसेज पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन देंगे टिल देन टेक केयर टाइम गुड बाय